पार्ट 14 अंगुलीमाल। पार्ट 14 अंगुलीमाल। पात्र यानी नाटक के अभिनेता महात्मा बुद्ध, अंगुलीमाल गांव का मुखिया और कुछ लोग। पहला दृश्य, शाम का समय है, गांव की चौपाल पर बैठे लोग बात कर रहे हैं। पहला व्यक्ति, मुखिया जी, डाकू अंगुलीमाल के कारण सारे गांव का जीना दुभर हो गया है। दुभर मतलब मुश्किल, लोग जंगल की ओर जाने से डरते हैं। दूसरा व्यक्ति, हाँ भैया, यह डाकू है ही इतना क्रूर। क्रूर मतलब निर्दय, जिसमें जरा सी भी दया न हो। है ही इतना क्रूर कि इसके नाम से ही डर लगने लगता है। सुना है वह जंगल से गुजरने वाले यात्रियों को पकड़कर मार डालता है और उनकी अंगुलियों की माला बनाकर पहनता है। पहला व्यक्ति, हमारे कितने ही भाइयों की रोजी रोटी खतरे में पड़ गई है। वे बेचारे जंगल की सूखी लकड़ियां काटकर गुजारा करते हैं, पर अब अंगुलीमाल के भय से कोई जंगल की तरफ नहीं जाता। महात्मा बुद्ध का आगमन, सब खड़े होकर उन्हें प्रणाम करते हैं, बैठने के लिए आसन देते हैं। महात्मा बुद्ध उन्हें आशीर्वाद देते हैं। मुखिया, प्रभु आपके चरण, चरण मतलब पैर, हमारे गांव में पड़े हम धन्य हो गए। क्या आप किसी विशेष कार्य के लिए पधारे हैं? विशेष मतलब खास। महात्मा बुद्ध, नहीं भाई, हम तो गया जा रहे थे, यहाँ रात्रि विश्राम के लिए रुके हैं। रात्रि विश्राम, रात में आराम। किंतु आप लोग इतने दुखी और भयभीत क्यों दिखाई दे रहे हैं? भयभीत मतलब डरे हुए। मुखिया, प्रभु पास ही जंगल में डाकू अंगुलीमाल ने उत्पात मचा रखा है। उत्पात मतलब उपद्रव, हलचल, अत्याचार। गांव के लोग उससे बहुत दुखी हैं। आपसे भी प्रार्थना है कि आप जंगल से होकर यात्रा न करें। महात्मा बुद्ध, आप लोग चिंता न कीजिए, अंगुलीमाल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, हम उससे अवश्य भेंट करेंगे। भेंट करना मिलना। आप निश्चिंत हो जाइए। निश्चिंत मतलब बेफिक्र। दूसरा दृश्य, घना जंगल, महात्मा बुद्ध जा रहे हैं, सामने से अंगुलीमाल आता है। अंगुलीमाल, ए रुक जाओ, मेरे इलाके में इस तरह निडर होकर घूमने का साहस तुमने कैसे किया? महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए शांत भाव से, आओ अंगुलीमाल, हम तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। अंगुलीमाल चेहरे पर हैरानी, मूर्ख, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? महात्मा बुद्ध, डर कैसा भाई, हम तुम्हारे इलाके में आए हैं, तुम्हारे अतिथि हैं। अतिथि मतलब मेहमान, क्या तुम हमारा एक काम नहीं करोगे? अंगुलीमाल आश्चर्य और असमंजस में, असमंजस मतलब कठिनाई में, अच्छा अच्छा अधिक बातें न करो, बोलो क्या काम है? महात्मा बुद्ध, भाई जरा उस पेड़ से मेरे लिए चार पत्ते तोड़कर ला दो। अंगुलीमाल जाता है और पत्ते तोड़कर ले आता है। अंगुलीमाल, लो ये पत्ते। महात्मा बुद्ध, बस एक काम और कर दो, ये पत्ते उस पेड़ की शाखा पर फिर से लगा आओ। अंगुलीमाल हैरानी से, क्या यह कैसे हो सकता है? कहीं टूटा हुआ पत्ता फिर से शाखा में लगता है? महात्मा बुद्ध प्रेम से, देखा तुमने, टूटी हुई चीज दोबारा नहीं जुड़ सकती। तुम लोगों के सिर काटते हो, क्या तुम उन्हें दोबारा जोड़ सकते हो? नहीं ना, तब तुम लोगों की हत्या क्यों करते हो? जब हम दूसरों को जीवन नहीं दे सकते तो हमें उनके प्राण लेने का भी कोई अधिकार नहीं है। अंगुलीमाल महात्मा बुद्ध के चरणों में गिरकर, मुझे क्षमा करें प्रभु, मुझसे बड़ा पाप हुआ, आपने मेरी आंखें खोल दी। आंखें खोलना मतलब ज्ञान देना, सावधान करना। हे प्रभु, आप मुझे सही राह दिखाइए, मैं भटक गया था। आंखों में आंसू बहते हैं। महात्मा बुद्ध, उठो अंगुलीमाल, मार काट और हिंसा छोड़कर, हिंसा मतलब कष्ट देना, हानि पहुंचाना, हिंसा छोड़कर प्रेम का रास्ता अपनाओ। दूसरों की मदद करने और सेवा करने में ही सच्चा सुख है, इसी में तुम्हारा और सबका कल्याण है। कल्याण मतलब भलाई है या मंगल है। कंधे से पकड़कर उठाते हैं अंगुलीमाल हाथ जोड़कर, आज से मैं आपके बताए रास्ते पर ही चलूंगा। वह अपनी तलवार और गले में पड़ी
अंगुलियों की माला उतारकर फेंक देता है, पर्दा गिरता है। धन्यवाद। शाम का समय है, गांव की चौपाल पर बैठे लोग बात कर रहे हैं। तभी एक व्यक्ति उठता है और बोलता है, मुखिया जी, डाकू अंगुली माल के कारण सारे गांव का जीना दुभर हो गया है। लोग जंगल की ओर जाने से डरते हैं। हाँ भैया, यह डाकू है ही इतना क्रूर कि उसके नाम से ही डर लगने लगता है। सुना है वह जंगल से गुजरने वाले यात्रियों को पकड़कर मार डालता है और उनकी अंगुलियों की माला बनाकर पहनता है। हमारे कितने ही भाइयों की रोजी रोटी खतरे में पड़ गई है। वे बेचारे जंगल से ही सूखी लकड़ियां काटकर गुजारा करते थे, पर अब अंगुली माल के भय से कोई जंगल की तरफ नहीं जाता। तभी महात्मा बुद्ध का आगमन होता है। सब खड़े होकर उन्हें प्रणाम करते हैं, बैठने के लिए आसन देते हैं। महात्मा बुद्ध उन्हें आशीर्वाद देते हैं। प्रभु, आपके चरण हमारे गांव में पड़े, हम धन्य हो गए। क्या आप किसी विशेष कार्य के लिए पधारे हैं? नहीं भाई, हम तो गया जा रहे थे, यहाँ रात्रि विश्राम के लिए रुके हैं। किंतु आप लोग इतने दुखी और भयभीत क्यों दिखाई दे रहे हैं? प्रभु, पास ही जंगल में डाकू अंगुली माल ने उत्पात मचा रखा है। गांव के लोग उससे बहुत दुखी हैं। आपसे भी प्रार्थना है कि आप जंगल से होकर यात्रा ना करें। आप लोग चिंता न कीजिए, अंगुली माल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। हम उससे अवश्य भेंट करेंगे, आप निश्चिंत हो जाइए। घना जंगल, महात्मा बुद्ध जा रहे हैं। सामने से अंगुली मार आता है। ए, रुक जाओ, मेरे इलाके में इस तरह निडर होकर घूमने का साहस तुमने कैसे किया? आओ अंगुली माल, हम तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। मूर्ख, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? डर कैसा भाई, हम तुम्हारे इलाके में आए हैं, तुम्हारे अतिथि हैं। क्या तुम हमारा एक काम नहीं करोगे? अच्छा अच्छा, अधिक बातें न करो, बोलो क्या काम है? भाई जरा उस पेड़ से मेरे लिए चार पत्ते तोड़कर ला दो। लो ये पत्ते। बस एक काम और कर दो, ये पत्ते उस पेड़ की शाखा पर फिर से लगा आओ। क्या, ये कैसे हो सकता है? कहीं टूटा हुआ पत्ता फिर से शाखा में लगता है? देखा तुमने, टूटी हुई चीज दोबारा नहीं जुड़ सकती। तुम लोगों के सिर काटते हो, क्या तुम उन्हें दोबारा जोड़ सकते हो? नहीं। तब तुम लोगों की हत्या क्यों करते हो? जब हम दूसरों को जीवन नहीं दे सकते तो हमें उनके प्राण लेने का भी कोई अधिकार नहीं है। मुझे क्षमा करें प्रभु, मुझसे बड़ा पाप हुआ, आपने मेरी आंखें खोल दी है। हे प्रभु, आप मुझे सही राह दिखाइए, मैं भटक गया था। अंगुली माल महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर जाता है। उठो अंगुली माल, मार काट और हिंसा छोड़कर प्रेम का रास्ता अपनाओ। दूसरों की मदद करने और सेवा करने में ही सच्चा सुख है, इसी में तुम्हारा और सबका कल्याण है। आज से मैं आपकी बताए रास्ते पर ही चलूंगा। अंगुली माल अपनी तलवार और गले में पड़ी अंगुलियों की माला उतारकर फेंक देता है, पर्दा गिरता है। धन्यवाद।